सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं अभिनाश, स्वागत हमारे इस रिटर्न ट्यूटोरियल आर्या जी में। स्टूडेंट आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं हम पेटीएम का एटीएम पिन कैसे जनरेट करते हैं। अगर आप भी पेटीएम पेमेंट बैंक यूज़ करते हैं तो उसमें आपको एक फैसिलिटी मिलती है पेटीएम का एटीएम। तो फ्रेंड अगर आपने पेटीएम का एटीएम नहीं अप्लाई किया है तो आप पेटीएम पेमेंट बैंक वाले ऑप्शन में जाके वहाँ पे डेबिट कार्ड वाले सेक्शन में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको 250 रुपया चार्ज देना पड़ेगा एटीएम कार्ड के लिए। मैंने अप्लाई किया था, मेरा आ गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा एक पेटीएम पेमेंट बैंक का एटीएम कार्ड है। यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, मैं इसको अभी ओपन करके आपको पूरा दिखाऊँगा। तो मैं इसको ओपन कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे ओपन करेंगे यहाँ पर आपको एक स्लिप मिलेगी। यहाँ पे स्लिप में आपका एक एटीएम कार्ड यहाँ पे पेस्ट रहेगा, तो इसको आपको निकाल लेना है। निकालने के बाद यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि किस प्रकार अपना आप यहाँ पे पिन जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको नीचे दिया रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको क्लियरली दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको मेंशन किया रहता है कैसे आपको जनरेट करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस करके बताऊँगा कैसे आपको पिन जनरेट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा एटीएम कार्ड है, मैंने सिक्योरिटी पर्पस से यहाँ पे इसको टेप लगा दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा एटीएम कार्ड है पेटीएम का। अभी मैं आपको इसका पिन जनरेट करके बताऊंगा कैसे आपको इसका पिन जनरेट करना है पेटीएम का एटीएम का। आइए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और दिखाते हैं आपको पेटीएम का एटीएम पिन कैसे जनरेट करते हैं। सो अगर हम चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी टेक रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो आइए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। सो फ्रेंड मैं मोबाइल स्क्रीन पे आ गया हूँ, आप देख सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे पेटीएम एप्लीकेशन ओपन कर ले रहा हूँ अपना। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे एटीएम कार्ड लाना है जो आपके पास आया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा एटीएम कार्ड है, इसके पीछे आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, इसको आपको स्कैन करना है। यहाँ पे साफ साफ पीछे लिखा रहता है कि आपको पिन जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पर इसको स्कैन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको स्कैन एंड पे का ऑप्शन मिलता है, लेकिन अभी यह फीचर वर्क नहीं कर रहा है इतने टाइम। तो यहाँ पर आपको दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, यहाँ पर पेटीएम बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड अपना इंटर कर देंगे। तो मैं सिक्योरिटी पर्पज़ से अभी इसको ब्लर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका एटीएम डिटेल शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना सेविंग अकाउंट में कितना बैलेंस है शो हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने एटीएम कार्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको देख सकते हैं एक्टिवेट फिजिकल डेबिट कार्ड का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको एक्टिवेट नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको स्कैन करने के लिए कहेगा कि आप अपना एटीएम कार्ड यहाँ पे स्कैन कर दिए, जो आपका क्यूआर कोड पीछे दिया गया है। तो यहाँ पे मैं स्कैन कर ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं पीछे कर दे रहा हूँ उसको। अब मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी स्कैन हो रहा है, यहाँ पर मेरा स्कैन का प्रोसेस कम्प्लीट हो गया है। अब मैं इसको अपना पासवर्ड इंटर कर दे रहा हूँ। तो मैंने पासवर्ड अपना फिंगरप्रिंट यहाँ पे सेट किया है, तो मैं डायरेक्टली फिंगरप्रिंट अपना लगा दे रहा हूँ। अब आपने अब बोला कि सेट 4 डिजिट पिन फॉर योर डेबिट कार्ड। तो यहाँ पे अपना 4 अंकों का कोई पासवर्ड यहाँ पे सेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना पिन सेट कर ले रहा हूँ। तो सिक्योरिटी प्रकार से मैं यहाँ पे ब्लर कर दे रहा हूँ इसको अभी। सो फ्रेंड मैंने अपना यहाँ पे पासवर्ड सेट कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा डेबिट कार्ड एक्टिवेट हो गया है। यहाँ पे मेरे पास मैसेज भी आ गया है, आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड आप देख सकते हैं मेरा डेबिट कार्ड एक्टिवेट सक्सेसफुली हो गया है। अब मैं किसी भी एटीएम मशीन में जाके अपना पेमेंट लेन देन कर सकता हूं और ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकता हूं। यहां पे देख सकते हैं आपको कई सारे सेटिंग मिलेगा ऑनलाइन पेमेंट का, इंटरनेशनल यूजेज का, टैप एंड पे का। तो यहाँ पर आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो इसको ऑफ ऑन कर दीजिए, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो ऑफ कर दीजिए इसको। तो मैं अभी सिंपली इसको ऑफ कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इसे जब यूज करूँगा तो इसको ऑन कर लूँगा। तो यहाँ पे इसको करने के बाद आप कंफर्म सेटिंग पे क्लिक कर देंगे। अगर आप इसको यूज करना है तो सिंपली आपको ऑन करके तब आप पेमेंट कर पाएंगे, अन्यथा आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका डेबिट कार्ड यहाँ पर सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है। सो फ्रेंड पेटीएम का एटीएम कार्ड मंगाने के लिए सबसे पहले आपको पेटीएम बैंक पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे अपना पासवर्ड इंटर कर देंगे। तो मैंने अपना फिंगर सेट किया है, तो मैं यहाँ पे फिंगर लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको नीचे मिल जाता है आपको यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन, इस पर आप एटीएम कार्ड पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट न्यू एटीएम कार्ड का ऑप्शन दिया रहता है, यहाँ पर देख सकते हैं। इस पर आप क्लिक करके अपना यहाँ पर एटीएम कार्ड यहाँ पर आप मंगा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको यह जानकारी और एटीएम पिन कैसे जनरेट करते हैं यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। सो फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।